इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ नेशनल में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से जो है इमोशनल इंसान हो सकता है और कितना हो सकता है। तालिबान राज में अफगान झंडे के साथ उतरी क्रिकेट टीम, राष्ट्रगान गाकर रो पड़े खिलाड़ी। जी हाँ, आपको बता रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात में मैच खेले जा रहे हैं और इस विश्व कप में आपको बता दें जिस तरह से तालिबान के बाद अब पहली बार अफगानिस्तान की टीम उतरी है स्कॉटलैंड के साथ और उन्होंने सोमवार को इस मैच से पहले राष्ट्रगान गाया अपना और ये राष्ट्रगान अफगानिस्तान का था आपको बता दें। और तालिबान जिस तरह से क्रूरता दिखा रहा है उसके बाद वो इमोशनल हो गए और भले ही वो अब तालिबान बन चुका है लेकिन तालिबान की हुकूमत वहाँ है लेकिन फिर भी वो अफगान के झंडे के साथ वहाँ नजर आए और काफ़ी इमोशनल वो नजर आए और इस दौरान उन्होंने जो भावुकता थी अपनी भावुकता के साथ उन्होंने बहुत ही रोने के बाद अपनी भावुकता को भी वहाँ रखा है और इस मैच के दौरान काफ़ी वो भावुक नज़र आए हैं। आपको बता दें जिस तरह से लगातार तालिबान का जो क्रूरता है वो नज़र आ रही है और जिस तरीके से खिलाड़ियों के साथ कलाकारों के साथ उन्होंने जो क्रूरता दिखाई है उसको लेकर कहीं ना कहीं इमोशनल एंगल उनका नज़र आया और काफ़ी चिंता में भी वो नज़र आए। अपने देश से जितना प्रेम उनको था अब वो कहीं ना कहीं अपने देश से बाहर नज़र आ रहे हैं। सभी खिलाड़ी अपने देश से बाहर हैं, अब वो देश वापस लौटेंगे भी या नहीं क्योंकि हुकूमत वहाँ तालिबान की है। अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान की हुकूमत आई उसके बाद कलाकारों के साथ उस लगातार और लोगों के साथ भी क्रूरता उन्होंने दिखाई, उससे कहीं ना कहीं डरे सहमे लोग ज़रूर हैं और अब देश से बाहर हैं। ये खिलाड़ी भी संयुक्त अरब अमीरात में जब मैच खेलने पहुंचे तो अफगान का झंडा उन्होंने लहराया और उस दौरान उस झंडे के नीचे वो नज़र आए। हालांकि जिस तरीके से उनकी भावुकता नज़र आई है वो काफ़ी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। आपको बता दें अफगानिस्तान टीम के साथ स्कॉटलैंड का ये मैच था और इस मैच में जिस तरह से वो रोते हुए नज़र आए ये तस्वीरें खूब वायरल हुई और सोशल मीडिया पर भी नज़र आई हैं। आपको बता दें अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का ये वीडियो ट्विटर पर शेयर किया गया है और खूब देखा जा रहा है। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया, अफगानों के लिए एक भावनात्मक दृश्य है, एक भावनात्मक दृश्य यहाँ नज़र आया, मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य है। जी हाँ, साफ तौर पर कहा जा सकता है मंत्रमुग्ध यहाँ किया गया है। इस दृश्य को देखकर कोई भी भावुक हो सकता है क्योंकि जिस तरह से वो स्कॉटलैंड में ये मैच स्कॉटलैंड के साथ खेलने के लिए तैयार हुए थे लेकिन झंडा क्योंकि अफगान का था और अफगान से ही उनको प्यार है और जिस तरह से तालिबान का जो रुख नज़र आता है वो काफ़ी भयानक है, दर्दनाक है और शर्मसार करने वाला भी है क्योंकि जिस तरह से वो कलाकारों के साथ खिलाड़ियों के साथ अपना व्यवहार अपना रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये ज़रूर साबित हो जाता है कि वो क्रूर हैं और वो कहीं ना कहीं गलत ज़रूर हैं जिसकी वजह से ये भी भावुक हो गए और इनके जो हौसले हैं उस पर वो अपना कब्ज़ा तालिबान नहीं कर पाया क्योंकि तालिबान के कब्ज़ा अगर होता तो वो तालिबान का झंडा लेकर वहाँ होते लेकिन वो अफगानिस्तान का झंडा लेकर वहाँ नज़र आए तो इससे ये नज़र आता है कि उनके हौसलों पर वो अपना कब्ज़ा नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं ये उनकी दरियादिली भी कही जा सकती है। भावुकता के साथ वो पूरे हौसलों के साथ वहाँ नजर आए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त, गुड बाय एंड टेक केयर।